नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। सीबीएसई 12वीं का परिणाम घोषित, लड़कियों ने फिर बाजी मारी। सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 82% परीक्षार्थी पास हुए हैं। लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों के मुकाबले बाजी मारी है। परीक्षा में लड़कियों की सफलता का प्रतिशत 87.56 रहा, जबकि लड़कों की सफलता का प्रतिशत 77.77 रहा। राजधानी दिल्ली के साकेत स्थित न्यू ग्रीनफील्ड स्कूल की छात्रा एम गायत्री ने परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया। गायत्री को 500 अंकों में से 496 अंक हासिल हुए। पाकिस्तान में ही है माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम। मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में आईएसआई के संरक्षण में रह रहा है। इसका खुलासा सुरक्षा एजेंसियों द्वारा ट्रेस किए गए फोन कॉल से हुआ है। बताया जाता है कि 4 महीने पहले सुरक्षा एजेंसियों ने दाऊद की 3 फोन कॉल्स को पकड़ा था। दाऊद ने ये कॉल पाकिस्तान से अपने गुर्गे जावेद को दुबई में की थी। आसाराम के बेटे नारायण साई को मिली जमानत। गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को कथाकार आसाराम बापू के बेटे नारायण साई को 3 हफ्ते की जमानत दे दी। दरअसल नारायण ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी मां के ऑपरेशन के लिए जमानत मांगी थी। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने गत माह बलात्कार के आरोप में सूरत की जेल में बंद नारायण साई को उसकी माता के ऑपरेशन की तारीख तय होने के बाद ही जमानत पर रिहा किए जाने के निर्देश दिए थे। कोच्चि हवाई अड्डे पर 2 बसों से 3.6 करोड़ का सोना जब्त। सीमा शुल्क अधिकारियों ने यहां के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2 यात्री बसों में छुपा कर रखे गए 13 किलोग्राम सोने की छड़ें बरामद की, जिसकी कीमत लगभग 3.6 करोड़ रुपए है। हवाई खुफिया इकाई के अधिकारियों ने बताया कि दुबई से यहां आए स्पाइस जेट विमान के यात्रियों को ले जाने वाली 2 बसों से 1-1 किलोग्राम के वजन की छड़ें बरामद की गई हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।